नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में नेताओं के बदजुबानी और बड़बोलेपन का अंदाजा कई बार इस प्रदेश की जनता के साथ ही देश की जनता ने लगाया होगा। अक्सर नेताओं के अलग अलग बयान आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रघुराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया था और आज वो अपने इसी विवादित बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उनके इस स्पष्टीकरण को लेकर हमारे अलाइव 24 न्यूज का संवाददाता विशाल सक्सेना ने उनके साथ की है खास बातचीत। नमस्कार, अलाइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना और आज हमारे साथ में मौजूद हैं ठाकुर रघुराज सिंह जी, जो कि राज्य मंत्री हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि अभी एक विवादित बयान भी उन्होंने दिया है। उस विवादित बयान पर क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि कुछ लोग उनसे नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। और रघुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सर, ये जो भी आपने वक्तव्य दिया मंच से, क्या लगता है कि इसको लोगों ने सकारात्मक रूप से लिया होगा? देखिए, देशद्रोही तो सकारात्मक रूप नहीं लेंगे, लेकिन देश के नागरिक और देश हिंदुस्तान के वासी, इस देश के जो रहने वाले हैं, अमन चैन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक ठीक करें। चूँकि मेरे पास करीब करीब 3000 पूरे भारत से बधाई आया है, लोगों ने कहा है कि आपने सही बात को सही कहा है, कोई कहने में थोड़ा हिचकता है। मैंने योगी और मोदी को जो जिंदा दफन करेंगे उनके लिए, वो रोज दफन कर रहे हैं, मैंने एक दिन कहा है कि योगी मोदी को जो जिंदा दफन करेंगे तो हम भी उनको जिंदा दफन करेंगे। तो मेरे बयान के पीछे तो मुझको बाहर से धमकी मिल रही है और वो 15 दिन से लगातार कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हम सहसुण नहीं है, वो सहसुण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मक्का मदीना में किसी हिंदू को, किसी सिख को, किसी बुद्धिस्ट को, किसी ईसाई को दर्शन क्यों नहीं करने? आखिरकार भगवान तो वो हमारे भी है ना, भगवान तो सबके है ना। तो हमारे मंदिर में, हमारे मठ में, हमारे गिरजाघर में, हमारे गुरुद्वारे में कोई भी धर्म, कोई भी धर्मावलंबी जाए, कोई आपत्ति हमको नहीं है। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से मक्का मदीना में सब कौमों को जाने की इजाजत मिल लीजिए, क्योंकि भगवान तो सबके हैं। जब हम बात धर्म की करते हैं, बात जब हम मंदिरों की करते हैं, तो सर दलितों को भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि कई दलितों को मंदिरों में आज भी घुसने की इजाजत नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं है, परिस्थितियों बस ऐसा हुआ था, मुगलों ने यहाँ आकर दलित बना दिए। हमारे देश में दलित शब्द था नहीं, उन्होंने दलित उनको बना दिया जो सब राजपूत थे। उन्होंने जैसे वाल्मीकि बिरादरी, ये राजपूत थे, क्योंकि उन्होंने गंदगी ढोना तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। वो हमसे ज्यादा कट्टर हिंदू वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने गंदगी उठाना महसूस कर लिया। और हमारे देश में हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, और विश्व में केवल एक ही धर्म है, वह है सनातन धर्म। बाकी 2,250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं है, 1,450 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं है, 352 साल पहले खालसा पंथ का भी इसी में से प्रारंभ हुआ, और बुद्धिस्ट का भी इसी में से प्रारंभ हुआ, जैन धर्म भी हिंदू धर्म से सनातन धर्म। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये वही देश है जहाँ आज़ादी मिलती है, धार्मिक रूप से स्वतंत्रता मिलती है। अगर आप अन्य किसी देश में जाकर के किसी धर्म का प्रचार करते हैं तो शायद आपका गला रेत दिया जाएगा, लेकिन इस हिंदुस्तान में सर सभी को एक माना जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई भाई। तो इस नारे पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, इसलिए भाई भाई है सब सनातन धर्म से गए हैं, लेकिन कुछ लोग कट्टर हो गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इराक ईरान में जो झगड़ा हो रहा है, तो वहां तो हिंदू है नहीं, तो वहां तो शिया और सुन्नी का झगड़ा हो रहा है। तो झगड़ा तो आखिरकार वर्ल्ड में ये लोग ही कर रहे हैं, हिंदू तो केवल हिंदुस्तान में है ना, तो ये तो कहीं झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो इस टाइप के लोग हैं कि अगर 4 कुर्सी पड़ी है और 5वां व्यक्ति कोई खड़ा है तो हम उससे कहते हैं आइए भाई साहब बैठिए। तो हमसे ज्यादा सहिष्णु तो विश्व में कोई है नहीं। चूंकि देखिए, हमारे यहाँ पंडित जी जब भी कथा करते हैं तो हम ये कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, किसी पंथ में नहीं है। मैंने सारे पंथ पढ़े हैं, बाइबल मैंने पढ़ी है, कुरान मैंने पढ़ी है, गुरुमुखी मैं 2400 बार राम का नाम है,
इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वहां पर केवल 2.5% हिंदू हैं। वहां पर मुस्लिम जो है 3-3 और 6-6 महीने के लिए पुजारी होते हैं, लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाते। 14,665 मंदिर हैं, वहां के पुजारी सारे मुस्लिम हैं। वहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गए थे, वहां के राजा से उन्होंने कहा था, आज से 10 साल पहले ये कहा उन्होंने कि भाई आपने धर्म बदल लिया है तो ये गरुड़ एयरलाइंस बंद करिए, इसका नाम इस्लाम के ऊपर रखिए, डॉलर पर लक्ष्मी और गणेश का फोटो इसको हटाइए। उन्होंने कहा हमने धर्म बदला है, बाप नहीं बदला, बाप हमारा राम है, ये वहां के राजा का कहना है। और पूरे विश्व में रामायण 24 घंटा वहीं पर चलती है, महाभारत वहीं पर चलती है। सीए को लेकर के सर जो विवाद हुआ पूरे देश में, यूथ रोड पर था, क्या वो हिंदू मुस्लिम संप्रदायिकता के लोग थे जो रोड पर उतरे थे, वो तो छात्र थे, उनके ऊपर लाठियां। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दा न होने के कारण उनको इन ऐसे नौजवानों को भटका दिया और भड़का दिया कि आपको देश से निकाल देंगे। हाँ, ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है जो इस देश का जो वासी है उसको निकाल दिया जाए, लेकिन हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल एटीएम कार्ड टाइप बनाना भारत सरकार की इच्छा है। उससे ये रहेगा आप पे कितनी वेल्थ है, आप पे कितने घोड़े गाड़ी हैं, आप पे कितने मकान हैं। बेईमानी 400 BC नहीं होगी। पी चिदंबरम जैसे लोग, कांग्रेस के राहुल जैसे लोग, जिनके बहनोई वाड्रा का 1,65,000 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, जो हैंड टू माउथ थे, ये लोग केवल इन स्टूडेंटों को राह भटकाकर अपना उपयोग कर रहे हैं, ये देश के विरुद्ध अपना उपयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो भाषण दिया तो पाकिस्तान में सीधी चली गई, पाकिस्तान में हर चैनल मुझे मुर्दाबाद कर रहा है, पाकिस्तान में आप देखिए, मतलब मैंने हिंदुस्तान हम और मुस्लिम या कोई ईसाई हम आपस में कोई वार्ता करें वो पाकिस्तान में चली जाए, कितनी बड़ी बात है, ये विडंबना है देश की। वहां की मीडिया इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि आपने यहाँ के मुस्लिमों को इस तरीके से कहा। मैंने यहाँ के मुस्लिमों के लिए, मैंने मुट्ठी भर लोगों के लिए कहा है, जो आतंकवादी आतताई जैसे बुरहान पानी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आतंकवादी बना है, उसको कितने 9 महीने उसकी केवल उम्र थी, 9 महीने बाद मार दिया फोर्स ने। तो इस यूनिवर्सिटी से जिन्ना की पहली मीटिंग इस यूनिवर्सिटी में हुई और ये सब हिंदुओं के पैसे से यूनिवर्सिटी बनी, हिंदू राजा ने जमीन दी, उसके बावजूद यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी यूनिवर्सिटियों को तत्काल बंद करना चाहिए जो कि ये अपराधियों के अड्डे बन चुके हैं। बंद करने से अच्छा सर सुझाव ये नहीं हो सकता कि इनको सही मार्गदर्शन और सही डायरेक्शन दिया जाए? देखिए, सही मार्गदर्शन और डायरेक्शन इनको दिया जाता है केवल केवल छोटे थोड़े लोग जो 30 साल से 35 साल से यहाँ पर 10 रुपए में भोजन मिलता है, 50 रुपए में कमरा मिलता है, वो अड्डा जमाए हुए हैं। अभी देखिए 20 दिन पहले प्रशासन ने इनके यहाँ से कट्टा बंदूक राइफल रिवॉल्वर, हॉस्टल में कट्टा बंदूक राइफल रिवॉल्वर की क्या आवश्यकता पड़ी? आप पढ़ने आए हो कि इस देश को बांटने आए हो, कि अलीगढ़ को तोड़ने आए हो, हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने आए हो? यहाँ हमारे अलीगढ़ का मुस्लिम बहुत शांति प्रिय है, परंतु ये जो बाहर से आए हुए छात्र मुट्ठी भर 50-100 छात्र होंगे जो बेईमान। अच्छा, यही उपद्रवी के कहीं ना कहीं कारण बने, इन्होंने उपद्रव किया, यही कारण बना है। पुलिस पे गोली चला रहे हैं, आप बताइए हॉस्टल वाले पुलिस पे गोली चलाएंगे? हॉस्टल वाले नागरिक पर गोली चलाएंगे, कत्ल कर देंगे? आए दिन इस यूनिवर्सिटी में कत्ल हो जाता है, पता नहीं चलता किसने कर दिया। केवल विपक्षी पार्टियां इनको धन देकर इनका दुरुपयोग करती हैं, वो अपराधी किस्म के लोग। मेरा यूनिवर्सिटी के छात्रों से मतलब नहीं, मेरा उन लोगों से मतलब है, केवल यहाँ के वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। आज तक यहाँ पर बीसी जो बने सब बाहर के बने, पहली बार बीसी यहाँ के बने हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यहाँ के मुस्लिम है तारिक मंसूर जी, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को ये लोग ये चाहते हैं इस सीए के माध्यम से हम आंदोलन करते ना उनको हटा दिया जाए। अच्छा सर, अगर ये सब बातें हो रही हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर मुस्लिम है जो देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं दर्शकों को मैं बता दूं कि राम मंदिर का जब मुद्दा आया था तो पूरे देश ने सहमति देकर के उसको स्वीकारा था,
उसमें मुस्लिम भी शामिल था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम हमारे विरोधी हैं, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी जैसे बुरहानवानी यूनिवर्सिटी में एक ही आतंकवादी बना, लेकिन नाम तो खराब यूनिवर्सिटी का हुआ ना, नाम खराब बना। बुरहानवानी बीएलजी का छात्र, मैं भी अच्छा उसको छात्र मानता था, लेकिन जब वो आतंकवादी बना, वहां जाकर फोर्स पे गोली तमंचे दागने लगा, तो ऐसे आतंकवादी यूनिवर्सिटी पैदा करेगी क्या, ऐसा पढ़ाएगी? तो आपको क्या लगता है, ये ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में दी जा रही है क्या? यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, यूनिवर्सिटी में मैंने बताया जो खलीफा टाइप छात्र है, जो खलीफा है उनको बाहर निकाल दिया जाए तो यूनिवर्सिटी शांत हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ना चाहते हैं, हम इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो 50-100 लोग जो हैं इस यूनिवर्सिटी को एकदम गर्त में ले जाना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की कवर बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में कवर बनाएंगे इस तरीके की बातें आप, हमने कह दिया तो पूरे देश को और विश्व को बुरा लग रहा है। पाकिस्तान में रोज हमारे वो हो रहे के अपराधियों के विषय में न कहें, अरे हमने अपराधियों के लिए कहा है, अच्छे किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा, हमने केवल अपराधियों के लिए कहा है जो यहाँ पर अपराध करते हैं और अपराध से अपनी रोटियां सेकते हैं, उनके लिए कहा है मैंने। और लेकिन मोदी और योगी की कोई कब्र बनाएगा तो हमारे सीने पे पहले दफन करना पड़ेगा, तब जाके कोई कब्र बना सकता है। हम हरगिज हमारे नेतृत्व की, हमारे प्रदेश के नेता की, देश के नेता की कब्र नहीं बनाने देंगे, जो कब्र बनाएगा उसको कब्र में दफना देंगे। आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है? और सर, अलीगढ़ में जो कुछ भी स्थिति रही, अब मामला कुछ शांत सहल नजर आ रहा है, और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी और जीने देने वाली शैली में रहती है। भारतीय जनता पार्टी का सोच है सबके विकास में, मेरा विकास, बाकी दलों में नहीं है। बाकी दलों में आप देख रहे हैं चिदंबरम जैसे व्यक्ति ने 5,000 करोड़ का अनुमान लगा था, 5,00,000 करोड़ रुपया मिला है। अब ऐसे लोग नंबर दो का पैसा खर्च कर रहे हैं। और देखिए, पत्थरबाज क्यों बंद हो गए, क्योंकि उनको 1,000 रुपये पर डे मिलते थे उनको पत्थर मारने के लिए, आज वो सब आदरणीय मोदी जी ने बंद कर दिए। सब बेईमानों की जांच हो रही है। मोदी जी का केवल विपक्ष इसलिए विरोध करता है के वो सबकी जांच कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो ब्लैक मनी है बाहर लाओ। अब ये इस कारण, कल एक देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का वकील मोदी जी को कह रहा है, शैतान बता रहा है, तो ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए, मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, कल मेरे उसमें फेसबुक पर उसने डाला है। तो देश के प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यही होते हैं दुबई के अंदर, तो फांसी लग जाती है। मैं दर्शकों से रूबरू हूंगा और एक सवाल मैं लेता हूँ मंत्री जी से, कि कहीं ना कहीं 70 सालों में जो देश को कर देना चाहिए था, कांग्रेस को कर देना चाहिए था, वो कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, इस बात में कोई निस्संदेह ये बात है, और बतौर एक पत्रकार मैं इस बात को रख रहा हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी का जो कदम उठाना, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए? देखिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, बहुत बड़ा वोट बैंक चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को बड़े दिल से, दिमाग से, बड़े दिल से काम करके इतना बड़ा काम किया है। आज तक की स्थिति जम्मू कश्मीर में 2004 से 2019 तक 2,76,000 करोड़ रुपया हमने भेजा, तीन परिवारों में चला गया, महबूबा मुफ्ती परिवार में, गुलाम नबी आजाद परिवार में, अब्दुल्ला परिवार में, इन लोगों ने आपस में वो पैसा बांट लिया है। अब आदरणीय हमारे अमित शाह जी ने 38,000 करोड़ रुपया जिला पंचायत के माध्यम से वहां दिया है, वहां के लोग अमन चैन फील कर रहे हैं, वहां के लोग विकास करना प्रारंभ कर गए, क्योंकि 70 सालों में उन्होंने विकास नहीं देखा था, उनको जेल के कुआ के मेढक की तरह बना रखा था, उनको पाकिस्तान का डर, उसको हिंदुस्तान का डर, ऐसे डर बना के उन लोगों को आज तक कांग्रेस ने रखा था, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। अब देखिए, आप कश्मीर में जाइए, कितना अमन चैन, पाकिस्तान के वजीर आलम को कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी लगभग उनकी भी
सवाल जवाब काफी। पाकिस्तान के वजीरे आजम तो आतंकवादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों की कठपुतली हैं, फौज की कठपुतली हैं, भाजपा के सारे पे के भाई आज आपको सोना है के आपको आज भोजन करना है, भाजपा के सारे पे काम करते हैं। वो क्रिकेटर थे तब बढ़िया थे, लेकिन आपने देखा हुआ एक क्रिकेटर उनके साथ था हिंदू, उसके साथ ऐसा छुआछूत का भेदभाव करते थे, उनके साथ भोजन नहीं करते थे। वो पेपर में भी आया, आप लोगों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से पता चला है। तो मुझे तो उनके विषय में भी ज्ञात हुआ है के वो भी इतने बढ़िया इंसान बताए जा रहे हैं को पाकिस्तान के लोग, और वो हिंदुओं के साथ छुआछूत अपना रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों के प्रति नफरत फैलाना नहीं चाहते, नफरत स्वयं फैल जाती है जो कि उनके विषय में उनका वक्तव्य और उनके उन सब। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है सर, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, और क्या कुछ रणनीति आपको लग रही है इस बार दिल्ली में भी भाजपा अपना परचम लहराएगी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी, निश्चित बनेगी। केजरीवाल के 400 बीसी के जो कारनामे हैं सबकी समझ में आ गए हैं। केजरीवाल ने केवल उनको सबको झुग्गी झोंपड़ियों को 100 यूनिट देके, अरे भाई इस देश के पैसे को ऐसे लुटा के विकास नहीं हो पाएगा, विकास करना है तो सबकी सहभागिता से गरीब लोगों का सम्मान करते हुए, गरीब लोगों को भजन भोजन की व्यवस्था करते हुए काम करना पड़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से वहां सरकार आने जा रही है। केजरीवाल अब सपने देख रहे हैं, वो सपने देखते रहे। अच्छा, कांग्रेस कहां है सर? कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है, कांग्रेस तो अपने आप ही खत्म हुई जा रही है। ईश्वर एक एमपी की सीट है, रायपुर मैदान में तो है सर, चुनौती तो मैदान में तो रहते हैं, मैदान में तो 265 दल है वो रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनेगी, 100% बनेगी मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में ठाकुर रघुराज सिंह जी जो कि राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अमित शाह जी के और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और जो उन्होंने बयान दिया था वो चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए दिया था कि वो लोग जो देश की स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं। कैमरामैन रवि के साथ में विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, अलाइव 24 न्यूज के लिए। बने रहिए सच के साथ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।